हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुवर्णा एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स मिरेकल। टुडे वी विल सी इडियम्स एंड फ्रेजेस। सो व्हाई डू वी यूज़ इडियम्स एंड फ्रेजेस? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस? सो इडियम्स एंड फ्रेजेस एड अ फ्लेवर टू द कन्वर्सेशन एंड इट लुक्स इफेक्टिव स्पीच। So idioms are very important and it shows the native speakers. So from the idioms and phrases we understand the context behind the idioms and phrases. So we see that how the cake feels delicious, it gets the taste delicious when the different flavors are added in the cakes. So same way we see that idioms and phrases are adding flavors to the different language. So in the language we see idioms and phrases are used. So how the woman looks beautiful when she wore the golden or different ornaments, jewelries. Same way when we use idioms and phrases, so language also looks beautiful and decorative and impressive conversation happens. So idioms and phrases are very important. So let's see some idioms and phrases, its meaning in Hindi as well as in English. So aaj hum dekhenge idioms or phrases, saath hi saath uska Hindi aur English mein meaning. So let's see. A hard nut to crack. A hard nut to crack means a difficult problem. A hard nut to crack, a difficult problem, यानी गंभीर समस्या, गंभीर समस्या, कोई हमें गंभीर समस्या है तो हम क्या कहेंगे? A hard nut to crack. Second, a thorn in the flesh. A thorn in the flesh means a constant source of annoyance. A thorn in the flesh, a constant source of annoyance means काम में हमेशा होने वाली बाधा. तो किसी के काम में कुछ बाधा आती है तो हम क्या कह सकते हैं? A thorn in the flesh. Next, at once beck and call. At once beck and call means under his control. Under anyone's control, यानी किसी के नियंत्रण में होना. At once beck and call, under his control, तो किसी के नियंत्रण में रहना. So all the employees has to boss beck and call. तो जो सारे employees है उनको boss के control में रहना होता है, नियंत्रण में रहना होता है. ठीक है. Next is an acid test. Means critical test, acid test, critical test, यानी गंभीर परीक्षण. Next is all eye for an eye, means tit for tat, जैसे को तैसा. All eye for an eye, all eye for an eye means tit for tat, जैसे को तैसा. At once, at the same time, promptly or instant. At the same time, तुरंत, एक ही समय में. At once, एक ही समय में. At home means comfortable. I am feeling at home. जैसे कि मुझे क्या है, comfortable feel हो रहा है, तो क्या मैं क्या कहूँगी? I am at home means comfortable. I am feeling comfortable. तो आरामदायक स्थिति में होना, दैट इज एट होम कंफर्टेबल. नेक्स्ट, ऑल इन ऑल मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ऑल इन ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण. ऑल इन ऑल, सो हर किसी के लाइफ में जॉब तो क्या है, ऑल इन ऑल होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. अगर जॉब ही नहीं है, हम पैसे ही नहीं कमा रहे हैं तो क्या करेंगे? सो ऑल इन ऑल, माई जॉब इज़ ऑल इन ऑल फॉर मी. तो मेरा जॉब मेरे लिए ऑल इन ऑल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है.
नेक्स्ट एचिल्स हिल्स मीन्स अ स्मॉल बट फेटल वीकनेस, कमजोर पक्ष. एचिल्स हिल्स कमजोर पक्ष, अ स्मॉल बट फेटल वीकनेस. नेक्स्ट एड फ्यूल टू फायर मीन्स टू मेक अ मैटर वर्स. एड फ्यूल टू फायर टू मेक अ मैटर वर्स, आग में घी डालना. तो कोई सिचुएशन बिगड़ी हुई है उसको और बिगाड़ना. सो दैट इज एड फ्यूल टू फायर, यानी आग में घी डालना, मतलब टू मेक अ मैटर वर्स्ट. एन आर्म चेयर जॉब, एन आर्म चेयर जॉब गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट. एंड आर्म चेयर जॉब मतलब गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, मतलब आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, मतलब अच्छा सा इनकम लेकिन आराम की नौकरी, मतलब एन आर्म चेयर जॉब. आर्म चेयर जॉब गुड इनकम एंड हाई कंफर्ट. नेक्स्ट एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स समथिंग गॉन फॉर सेल्फिश रीजन्स, शॉर्ट से भरा उद्देश्य. एन एक्स टू ग्राइंड, सो एन एक्स टू ग्राइंड मतलब क्या है कि खुद का स्वार्थ देखना. समथिंग गॉन फॉर सेल्फिश रीजन्स, तो खुद के स्वार्थ के लिए एक कोई काम करना. एन आयरन विल, अ स्ट्रॉन्ग विल पावर. एन आयरन विल अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति. एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, पुराना प्यार. एन ओल्ड फ्लेम मतलब क्या है, पुराना प्यार. दैट इज द पर्सन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद द पर्सन इन द पास्ट, दैट इज पुराना प्यार. एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स मीन्स अ चाइल्ड और अ यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन. अ शोल्डर हेड, अ ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर मतलब अ चाइल्ड और अ यंग पर्सन हु थिंक्स और टॉक लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन. तो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, उसे क्या कहेंगे, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर. तो अपनी उस उम्र से ज़्यादा समझदारी होना, ठीक है. नेक्स्ट एन ऑलिव ब्रांच मीन्स पीस रिक्वेस्ट, जैसे कि शांति का निवेदन करना. एन ऑलिव ब्रांच मतलब शांति का रिक्वेस्ट करना, पीस रिक्वेस्ट. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण बनना. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण, झगड़े की वजह. एप्पल ऑफ वंस आइज, एप्पल ऑफ वंस आइज वेरी लवेबल डियरेस्ट वन, एकदम प्यारा दुलारा क्या है, एप्पल ऑफ वंस आइज. एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स इन गुड कंडीशन, बिल्कुल ठीक हालत में. सो माई मोबाइल इज़ इन एप्पल पाई ऑर्डर, इन गुड कंडीशन, मेरा मोबाइल एक अच्छी कंडीशन में है. सो माई मोबाइल इज़ इन एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में. एट अ लॉस मीन्स टू बी अनेबल टू डिसाइड, निर्णय न ले पाना. एट अ लॉस, एट अ लॉस मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पाना. टू बी अनेबल टू डिसाइड मतलब निर्णय न ले पाना. एट अ पिंच, एट पिंच इन अ ट्रबल, समस्या में होना. आई एम इन अ पिंच मीन्स मैं समस्या में हूँ. इन अ ट्रबल, इन अ पिंच, इन अ ट्रबल. एट आर्म्स लेंथ मीन्स अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली. सो आई डोंट मेक्स फ्रेंड, आई स्टे अवे एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम द पीपल. तो क्या है, मैं दूर रहती हूँ, दोस्त नहीं रखती हूँ. तो एट आर्म्स लेंथ अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, तो ज़्यादा फ्रेंडली
होना मैं क्या करती हूँ, अवॉइड करती हूँ. सो दैट इज़ एट आर्म्स लेंथ. देन नेक्स्ट एट ड्रैगर्स डाउन मीन्स टू हैव अ बीटर इनिमिटी. एट ड्रैगर्स डाउन टू हैव अ बीटर इनिमिटी मीन्स कट्टर दुश्मनी होना, कट्टर दुश्मन होना. एट ड्रैगर्स डाउन. नेक्स्ट एट ईज फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी. तो चिंता रहित, एकदम रिलैक्स, दैट इज एट ईज. आई एम एट ईज, तो मैं चिंता रहित हूँ, कोई दुख दर्द रहित हूँ, यानी चिंता रहित होना, एट ईज. नेक्स्ट एट वंस फिंगर एंड्स, एट वंस फिंगर्स एंड टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज, पूरी जानकारी होना. सो आई हैव वन, आई हैव फिंगर्स एंड्स, तो किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि आई हैव फिंगर्स एंड टू मेक अ वीडियो, तो मुझे क्या है कि कंप्लीट नॉलेज है वीडियो बनाने के बारे में. नेक्स्ट एट वंस विट्स एंड्स, एट वंस विट्स एंड्स मीन्स पजल्ड और कन्फ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड, चकित हो जाना. एट वंस विट्स एंड्स सरप्राइज्ड और कन्फ्यूज्ड और पजल्ड. एट सिक्सेस एंड सेवेंस मीन्स इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त वर्णा. तो माई ऑल द बुक्स वेर एट सिक्सेस एंड सेवेंस इन द रूम वेन द गेस्ट केम. तो जब मेरे घर में मेहमान आ गए तो मेरे रूम में मेरे जो बुक्स थे वो कैसे थे, एट सिक्सेस एंड सेवेंस मीन्स इन डिसऑर्डर में थे. एट अ स्टेक, एट रिस्क और इनसिक्योर, दाव पर लगना. एट रिस्क, एट स्टेक मतलब एट रिस्क और इनसिक्योर या फिर दाव पर लगना. सो आई स्टेक टू विन द डांसिंग कॉम्पिटिशन. तो क्या है कि मैंने क्या है कि मैंने दाव पर लगा दिया कि डांसिंग कॉम्पिटिशन विन करने के लिए मैंने मेरे जो इज्जत है मेरे दाव पे लगा दिया है. एट रिस्क पे है, ठीक है. एट स्टेक मीन्स एट रिस्क, रिस्क पे है. नेक्स्ट इज एट द 11th आवर मीन्स एट द लास्ट मोमेंट. 11th आवर लास्ट मोमेंट, तो एट द लास्ट मोमेंट मतलब क्या है, अंतिम समय में, एकदम ही अंतिम समय में. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मैन ऑफ स्ट्रॉ क्या है, अ मैन विथ नो वॉइस और अ मैन विल ऑफ हिज ओन, यानी मामूली या अभावग्रस्त आदमी. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब क्या है कि वो कैसा होगा कि वो अपने ही धुन में रहेगा या फिर जो भी कुछ कहेगा वो सच नहीं होगा, मामूली या अभावग्रस्त आदमी. सो दीज वर द सम इडियम्स. आई होप दैट यू मे लाइक इट एंड यू वुड यूज इट इन योर डेली कॉन्वर्सेशन एंड इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू. होप सो यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.